अपनी तो निकल पड़ी है बाबा, किस्मत साथ दे रही है। तीन तीन रानी है, तीन तीन रानी बाबा तेरे पास। तू टुल्ला है, बोल क्या उखाड़ लेगा तू? अरे तू अपनी बखान करता रहता है, छोड़ छोड़ दूंगा। चल चल जल्दी घर पे। अरे डाल, दो तीन बार डालेगा क्या? दो तीन बार नहीं, कई बार डालेंगे। ये ले। हाँ ले, एक एक ले। क्या बात है, समझे? ले दादा, थोड़ा सा गांजा मिलेगा क्या? पहले का पैसा लाया क्या? चुका दूंगा, लेकिन आज के लिए थोड़ा सा। आज शाम तक पैसा पहुंचा देना, नहीं तो तू। चल रे ए मेरी। ए हट ले, चल। बचा के रखी मैं। क्या दिन आ गए, चिल्लम के लिए भी अपने पास पैसा नहीं है। देख, तेको ये धंधे में आगे बढ़ने का है ना, तो तेको मेहनत करना पड़ेगा। 5 बजे उठ, 6 बजे मेकअप रेडी कर, 7 बजे सैन पहुंचा। 7 बजे के बाद जगह फुल हो जाती है वहाँ, लेकिन वहाँ धंधा बहुत अच्छा होता है। सवेरे सवेरे कौन उठेगा, अपन तो रात को जाकर वापस हो जाएगा। सुबह उठेगा जगह अपने। सुधरेगा नहीं तू। क्या भाई लोग, आराम? हाँ? मस्त एकदम। हाँ। और सोए ठीक से? हाँ, कहाँ थे रात को? इधर ही था साहब, तीन दिन हो गया। तीन दिन से इधर ही है? हाँ। तू कहाँ था भाई रात को? घर पे था। घर पे था फिर क्या? रात में कहाँ था? घर पे। मुंह खोल देना यार, नहीं तो खुलवाना पड़ेगा। इनको पूछ कैसे खुलवाता हूँ। हाँ भाई, हाजी मस्तान के आदमी से पंगा लेगा तो वर्दी उतर जाएगी साहब। भारी पड़ेगा साहब। लगा हुआ है? बुला, इसको बुलाने का है। हाँ कमले, तो उसको भी पानी पिला दे, भाई लोग को बुलाएगा। किसी किसी को रुबाब दिखाने का शौक होता है, कोई ना कोई बकरा चाहिए। टेली संजय साहब, वो आदमी तो क्या उसे?
एक सड़क छाप भिखारी के मर्डर के पीछे आज तूने एक कस्टोडियल डेथ का धब्बा लगवाया हमारे यूनिट के नाम पर। सर ये कोई साधारण मर्डर नहीं है, एक विकृत दिमाग का काम है सर। और जहां तक कस्टोडियल डेथ का सवाल है, वो उससे मैं हाथ कुछ ज्यादा चल गया। I'm sorry. मैं अभी कुछ नहीं कर सकता संजय, कुछ भी नहीं। तुझे सस्पेंड किया जा रहा है। सर केदार, यू आर इन चार्ज ऑफ दिस एरिया नाउ। सर सर ये जो भी हत्यारा है ना, ये फिर से हमला करेगा। That's all. संजय संजय जल्दी चलो वरना पिक्चर शुरू हो जाएगी। मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ। सस्पेंड कर दिया मुझे नौकरी से। सस्पेंड? सर वैसे वो रोड साइड किलिंग का क्या करना है? फॉरगेट इट, इट्स अ रैंडम किलिंग। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। डिपार्टमेंट एक और चांस नहीं दे सकते मुझे? नहीं संजय, यू आर आउट ऑफ द फोर्स। सर ऑफ द रिकॉर्ड अनऑफिशियली आप मुझे एक मौका दे सकते हैं सर? आई एम वेरी श्योर मैं केस सॉल्व कर दूंगा सर। सर पहले मर्डर के वक्त ही मैंने कहा था कि ये किसी सीरियल किलर का काम है, अब तो 5 मर्डर्स हो चुके हैं सर। सर अब तो विश्वास कीजिए। देख संजय, डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन तो चालू है, वो चलती रहेगी। तू तेरी अलग पैरेलल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे। डेफिनेटली सर।
अगर तेरी इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट और रिजल्ट सबसे पहले सामने आया तो फिर मुझे मंत्रालय में तुझे वापस ड्यूटी पर लेने के लिए बात छेड़ने का मौका मिल जाएगा, एक बहाना मिल जाएगा। थैंक यू सर, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको फेल नहीं करूँगा सर, हमेशा की तरह। डिपार्टमेंट की तरफ से मैं तेरी कभी भी और कुछ भी मदद नहीं कर पाऊंगा। हाँ मुझे मालूम है सर, मैं तैयार हूँ। कुछ हुआ? एक और चांस दिया सर्टन साहब ने, एक केस है, अगर मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो। कौन सा केस है ये? केस के बारे में जान के क्या कर गई तू? क्यों, ऐसी क्या बात है? आज तक कौन से केस के बारे में बताया तेरे को मैंने? अरे संजय साहब, आप आइए। कैसा है काम ले? ठीक है साहब, बैठिए साहब। औरत नहीं है घर पे? साहब वो क्या काम ले, इतनी दूसरी बीवी है जो भाग गई, करता क्या तू, मारता होता उनको? अरे नहीं साहब, वो छोड़िए उन सारी बातों को साहब, आप बताइए ना साहब, आप कैसे आने हुआ? एक बीड़ी पिला। सटन साहब ने एक और चांस दिया मुझे। आजकल ये जो सीरियल किलिंग हो रहा है ना, उसका केस सॉल्व करने का एक और चांस दिया। प्रॉब्लम ये है कामले की पुलिस डिपार्टमेंट से कोई ऑफिशियल मदद नहीं मिलेगी। मेरी मदद करेगा? आप हुक्म कीजिए साहब। FIR रिपोर्ट, कोरोनर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, तस्वीरें, ये CIO के पास जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसकी एक कॉपी चाहिए, मिल जाएगी? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा साहब, लेकिन उसमें एक लफड़ा है। क्या? केदार साहब। ए कामले भाऊ, किधर जा रहा है ये फाइज लेके? कहाँ जा रहा है? साहब वो साठम साहब ने जीरोक्स कराकर घर पहुँचाने को बोला साहब, वो केस को वहीं स्टडी करेंगे साहब। आइए आइए, कैसे हैं साहब आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो साहब छत में थोड़ा सा लीक है, एक दो दिन में ठीक करवा दूंगा। मैं करूंगा, खुद करूंगा। Thank you.
सर ये पांचों के पांचों मर्डर्स जो हैं ये हार्बर लाइन पे सायन और माटुंगा के बीच में हुए, यानी इस 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर। ये सारे मर्डर्स जो हैं ये रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे के बीच हुए। और सर सबसे इम्पोर्टेंट क्लू ये है कि जितनी भी हत्याएं हुई हैं या तो मंगलवार को हुई हैं या शनिवार को हुई। अरे ये पॉइंट अभी तक हम में से किसी ने नोट नहीं किया। अब हो सकता है कोइंसिडेंस हो सर, या फिर हो सकता है कि एक ऐसा आदमी हो इसकी साइकोलॉजी, यू नो हु वांट्स अटेंशन, हो सकता है कि वो एक जैक द रिपर टाइप का हवा क्रिएट करना चाह रहा हो। पर जो भी हो मुझे लगता है कि वो पुलिस को चैलेंज कर रहा है सर। वो कह रहा है कि मैंने किया है, अब अगर हिम्मत है तो पकड़ के दिखाइए। अगर ये पैटर्न सही है तो आने वाले मंगलवार को वो हमला करेगा सर। मैं चलूं? थैंक यू। अभी सीधे घर जाओगे? नहीं सर, कुछ और काम। अरे राजेश खन्ना आता कह रहे कोने में, आना रे कोने में। अंशु, अंशु कैसा है? अरे साहब आप कहाँ हैं? बहुत दिन से दिखे नहीं। खाना खाएगा? नहीं साहब, पेट फुल है। चिल्लम पिएगा? अशोक जो हत्याएं हो रही हैं फुटपाथ पे पिछले 1.5 महीने से, ते कुछ मालूम है उसके बारे में? वो जो सोए हुए गरीबों का सर फोड़ देता है। हाँ भाई, हाँ साहब। कौन है? पत्थर मार कहते हैं उसे, फुटपाथ पर सोने वाले अभागे लोग। अंशु मुझे मालूम है यार, वो है कौन? शक है तुमको? हाँ सर, एक आदमी है जिस पे शक है मेरे को। बहुत से फुटपाथ पे सोने वाले लोगों को भी उसी पर शक है। क्या नाम है उसका? मोहम्मद। मोहम्मद कहाँ रहता है? पता नहीं सर। ये मोहम्मद करता क्या? टैक्सी चलाता है, लेकिन सिर्फ रात को। रात भर टैक्सी चलाता रहता है। सरफेरा आदमी है वो, सब लोग डरते हैं उससे यहाँ। पूरी रात इसी एरिया का चक्कर काटता रहता है ऐसा। तुझे कैसे मालूम कि ये वही हत्यारा? वो मैं आपको बोल देगा, तो मेरा धंधा तो पूरा चौपट ना साहब। लेकिन फिर भी साहब, इतने सालों में मेरी इन्फॉर्मेशन एक बार भी गलत निकली है क्या? नहीं नहीं, एक बार गलत नहीं निकली, 5-6 बार गलत निकली। नहीं। अच्छा सुन, ये कहाँ मिलेगा मोहम्मद मुझे? वो हाजी भाई का बार है ना बड़ाला पे, वही मिलेगा आपको वो मोहम्मद। वही पड़ा रहता है साला ठंडियों के साथ। ये रख। कामले। सलाम साहब। सलाम। एक लीड मिली है, वो दीपा बार है ना, वहाँ जाने का इंक्वायरी करने। अच्छा,
अच्छा क्या, चल मेरे को भी जाना है साहब। और नहीं तो क्या, वहां जाके कुछ खा लेंगे। चल 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 कामले, चल जल्दी। मुझे क्या पता, लग रहा है ना मैंने आज तक किसी भी ग्राहक से उसका नाम नहीं पूछा, लेकिन रात को टैक्सी चलाने वाले अक्सर वडाला के छोटी मियां के स्टॉल पे जाके खाना खाते हैं। एक वही तो स्टॉल है जो पूरी रात खुला रहता है। फिर से आना। चिकन रोल देना।
कि मोहम्मद भाई आए नहीं क्या? कौन मोहम्मद भाई? वो टैक्सी वाले। अच्छा वो अपना मोहम्मद टैक्सी वाले। हाँ भाई। नहीं आज तो आए नहीं हो। इसी टाइम पे आता ना वो? हाँ ये टाइम पे आ जाते हैं। कुछ काम था क्या उनसे? हाँ नहीं ऐसे कुछ काम था तो बोलिए मैं मैसेज दे दूंगा। नहीं नहीं तुम्हारी दुकान के बारे में उसी ने बताया। अच्छा अच्छा बढ़िया बनाते हो। बढ़िया शुक्रिया। हेलो संजय, एक और मर्डर हो गया है। संजय साटम बोल रहा हूँ, एक और मर्डर हो गया है, देख ले मैं रखता हूँ। हाँ सर सर। पहले भी तीन चार केस हो चुके तो घनशू आटो रे। घनशू कौन? अरे तो घनश्याम गर्दोला चर्सी चर्सी। चलो हटो 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 चलो पीछे हटो। चलो पीछे चल। पासपोर्ट 4 इंच लास्ट को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और केदार सबको तुरंत फोन कर दूंगा। रिकॉर्ड इसे एविडेंस के तौर पे रिकॉर्ड में नोट करो और फॉरेंसिक लैब भेज देना। ओए सर एक बात बता संजय, तेरी नजर में कोई है जिस पर तुझे शक हो? है सर। कौन? मैन राइस चलेगा? मैं खाना खा रहा हूं। खा ले आराम से चलते। मियाँ का स्टॉल कितने बजे तक खुला रहता है? रोज इतनी भीड़ होती क्या? सुना है दूर दूर से लोग आते हैं कबाब खाने हैं। क्या खड़े हो? गाड़ी रोकना बे। दो मिनट रुक, सिगरेट लेके आता।
अभी तक सोई नहीं? ये कैसे हुआ? बाहर से पत्थर अंदर आया था। कितने बजे हुआ है? ये किसने किया? तुमने देखा उसको? ये सब इंक्वायरी मुझसे क्यों कर रहे हो? वो मोहल्ले के लड़कों को सीधा क्यों नहीं करते तुम? बड़े आए पुलिस वाले। ये तीसरी बार हुआ है हाँ? कभी इनका बॉल अंदर आ जाता है, कभी पत्थर अंदर आ जाता है। अब इसके इसकी मरम्मत के पैसे इनके माँ बाप देंगे क्या? और साहब, आरटीओ ऑफिस से मोहम्मद के एड्रेस के साथ साथ दूसरी इन्फॉर्मेशन भी मिली साहब। आरटीओ वाले कह रहे थे कि बड़े साहब लोगों ने इसको लॉकअप पे इतना मारा साहब कि उसका दिमाग ठीक नहीं था साहब, और उल्टी सीधी हरकतें करते लगा। अब सच क्या है ये तो भगवान ही बता सकता है साहब। वजह है क्या गुनाहों की, क्यों उबलती है कान में कितनी बाली पहनेगा? वो मोहम्मद वो लापता हो गया। ठीक है, तू अपनी खोज जारी रख। कहाँ जा रहा है इतनी रात के? ऐसी सिगरेट पिएगा, तेरा ब्रांड है।
मूड नहीं है। चलो यार खुर्शीद के ठेले में जाके कुछ फ्री में भुर्जी पाव खाते हैं, वर्दी में रहने का यही तो फायदा है। वाली कर रहा है रोज एक आदमी करता है रखवाली, देखो उसके बारे में कुछ मालूम है क्या ये पत्थर मार के बारे में? अरे बैठ 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 बैठ, पुलिस का आदमी बैठ।
जंगली हूं ना साहब, शॉर्टी बोल। बॉम्बे में नहीं मिलेगी आपको। क्यों? ये महाबलेश्वर से मंगानी पड़ती है साहब। वहाँ के पहाड़ी जंगलों में आदिवासी इसे अपने निजी इस्तेमाल के लिए बनाते हैं। पक्का? क्या साहब, अपना रोज का काम है। हाँ सर, संजय बोल रहा हूँ। संजय, अच्छा हुआ कि तूने मुझे फ़ोन किया। दरअसल बात यह है कि रिवर साहब के ऑर्डर से माटुंगा से लेकर सायन तक करीबन 40 पुलिसमैन फैला दिए गए हैं नाइट ड्यूटी पर। तो मेरी राय में तुझे अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन बंद कर देनी चाहिए। सर देख, केदार नहीं जानता है कि मैंने तुझे ये कहा है कि तुम पैरल इन्वेस्टिगेशन करो इस केस की। अगर उसे पता चल गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सर, ये केदार आपका क्या बिगाड़ लेगा? अगर केदार ने डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई कंप्लेंट कर दी, प्रॉब्लम हो जाएगी। सर आप उसकी चिंता मत कीजिए, कोई भी हालत में मैं किसी को खबर होने नहीं दूंगा कि आपकी तरफ से मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। सर प्रॉमिस। सर अच्छा चल ठीक है, बट प्लीज बी केयरफुल। ओके सर। खेलना खेलना दाज का इधर ये मुट्ठी मट्टे हो। अरे खेलना, ये चलना लाल परी। क्या है? नहीं अभी नहीं। अरे मौसम बड़ा सुहाना है। गायकोट भगा साहब? हाँ हाँ लगा हुआ है। भगा भगा कैसा करते हैं साहब? चेन्नई रोड पर गायकोट ने भारी मजा घेतले साहब। नहीं नहीं साहब। काका
शांत रहा शांत रहा, हॉस्पिटल लेके जा रहा है, आपको कुछ नहीं होगा। साहब रूती कोई आंख नहीं था, नाक नहीं था, होंठ नहीं था, या अल्लाह कोई फायदा नहीं सर, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, ये कुछ भी नहीं देख पाया, और जो कुछ भी उसने देखा उसे याद नहीं, घना अंधेरा था वहाँ। हाँ, इतनी दूर पहुँचने के बाद भी वी आर अगेन बैक टू स्क्वायर वन। महानगर बम्बई का पत्थरमार हत्यारा अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। ये हत्यारा अब तक 7 कत्ल कर चुका है और इन हत्याओं की वजह से साइन मातुंगा इलाके के लोग रात को अपने घरों से निकलने से डरने लगे हैं। सारे शहर में दहशत का माहौल फैल चुका है। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वसंतराव पाटिल ने स्टेट के पुलिस कमिश्नर जेएफ रिबियरो से इस केस संजय रोज रात को कहाँ जाते हो? काम पे जाता हूँ और कहाँ जाता हूँ? कौन सा काम संजय? मैंने कहा था ना सरपंच साहब ने केस दिया है उसी काम से। लेकिन पूरी पूरी रात, सुबह 6 बजे वापस घर आते हो तुम? अरे तो पहले भी मैं 36 घंटे लगातार काम कर चुका हूँ, उसमें क्या ड्यूटी कर रहा हूँ? हाँ लेकिन इससे पहले लगातार पूरी पूरी रात कभी तुम घर से बाहर नहीं रहे हो। अभी केस ही कुछ ऐसा है, कुछ कर नहीं सकते। आखिर कौन सा केस है ये संजय? तुम्हें हुआ क्या है? हाँ? कौन सा केस है? तुम्हें मालूम है ना मनाली कि स्पेशल क्राइम यूनिट वाले घरवालों के साथ केस डिस्कस नहीं कर सकते। स्पेशल क्राइम यूनिट से निकाले जा चुके हो तुम। संजय मेरा वो मतलब नहीं था, बात यह है कि मैंने पिछले कई दिनों में तुम्हें एक बदलाव सा देखा है, तुम खोए खोए से रहते हो, मुझसे जिस्मानी संबंध रखना तो दूर, तुम तो ठीक से बात भी नहीं करते। देखो मनाली, तुम्हारी लाइफ में क्या कोई दूसरी औरत आ गई है जिसके पास हर रात तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। अरे साहब, आपने एडवांस का बाकी पैसा दिया नहीं? दे दूंगा बे, रोज पूछ के मेरा दिमाग मत खराब कर। क्या बात है साहब? तेरे को मैंने क्या बोला? क्या बोला आपने? बाकी का एडवांस दे दूंगा बोला। अरे आपने कहा एडवांस दे दूंगा, लेकिन दिया कहाँ आपने? तो दरवाजे का लॉक बताएगा तू। अरे दरवाजे का लॉक बताएगा तू? क्या बे, धक्का क्यों दे रहे हैं मुझे? धक्का क्यों दे रहे हैं? और मैं क्यों लॉक बदलूंगा? मैंने कोई लॉक वॉक नहीं बदला है। तूने तो क्या तेरा बाप आके? देखिए साहब, जुबान संभाल के बात करिएगा। एक तो आप एडवांस नहीं देते, ऊपर से रो आप।
मनाली, मेरी बात सुनो। कल सुबह की पहली गाड़ी से तुम गांव जा रही हो, ठीक है? मैं आई को फोन कर दूंगा। क्यों? क्यों भेजना चाहते हो मुझे गांव? और वो भी अचानक इस तरह? अरे कोई बात है, तुम्हारी जान को खतरा है। किससे? किससे खतरा है मेरी जान को? मनाली, प्लीज प्लीज जिद मत करो प्लीज। हर रात जिस रंडी के पास जाते हो उसी का ऑर्डर है क्या? बकवास बकवास करते यारी तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे इस बचपने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे अब एक भी दिन तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं खुद ही गांव चली जाऊंगी। तुम जाओगी माटुंगा स्टेशन पे, एजेंट्स होंगे, वहां से हम टिकट खरीदेंगे और तुम जाओगी। चलो मेरे साथ। तुम्हारे साथ मुझे कहीं नहीं जाना है। मनाली प्लीज यार, जिद मत करो यार। तो ठीक है, मैं ही लेके आता हूं टिकट। और ये दरवाजा बंद रखना, अंदर से लॉक करना इसको, और प्लीज किसी के लिए खोलना मत। सीट कंफर्म है ना? पक्का? हाँ सर, एकदम पक्का। ये भी रख। चल। ओके साहब, थैंक यू। हाँ मनाली, सब ठीक है ना वहाँ पे? जब मुझे टिकट मिल गई है मैं वहाँ। हेलो मनाली, thank you.
सामने ना आवे। डरपोक। सब इंस्पेक्टर संजय शेला, हमारा पहला कर्तव्य है बेसहारों की सहायता करना। ऐसे क्या देख रहा है तू? वहाँ है वो, जा जाके पकड़ ले, जा। ए भाई, ए ठीक है, मदद कर रहा था। हाँ उधर है वो, वहाँ पे। सब जाने का वक्त नहीं है, पुलिस आती होगी। अपना माड़ा वाला मकान है ना, वहाँ लेके चलो मुझे। प्लीज प्लीज, मेरी बात नहीं सुन, मानो प्लीज, चलो वहाँ लेके चलो मुझे। सब
धीरे से। गोली निकालते समय चू तक नहीं की तुमने। तुमने निकाली ना गोली, इसलिए। बहुत बहादुर हो तुम। अच्छा, तुम भी कम बहादुर नहीं हो इससे। वो कैसे? यहाँ तक गाड़ी चला कर ले आई। संजय मुझे बताओ कि ये सब जो हो रहा है वो। अच्छा, तुम हमेशा बोलती थी ना ये ब्लैक मनी का फायदा क्या? हाँ? ये फायदा है, आज इस घर ने मेरी जान बचा ली। संजय मजाक छोड़ो, मुझे सच बताओ कि ये सब क्या हो रहा है। फैमिली के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम मुझे पता तो होना चाहिए कि तुम्हारी हालत किसने की। अरे जिसने भी किया अच्छा ही किया, कम से कम तुम्हें मुझ पर विश्वास तो हो गया। अभी तो कोई शक नहीं है ना कि मैं रात को किसी के पास। अच्छा सुनो, कल सुबह पहली गाड़ी से तुम गांव जाओगी, प्लीज। जैसे यहाँ का मामला सुलझ जाएगा मैं बुला लूंगा, ठीक है? लेकिन तुम भी क्यों नहीं चलते मेरे साथ? मैं नहीं आ सकता मनाली, यहाँ मेरा कुछ अधूरा काम बाकी है। जा रहे यार। अरे साहब, दो कदम पड़े ऐसे मुड़े बस ऐसे आ गए। आइए आइए। सामने वाला मकान है। पागल हो गया है। हे काय, जादू टोना करते हो ऐसे वाटते? मुझे एकदम स्टार्टिंग से ही शक था इस पर। जी, शुरू से ही खून की प्यास थी सरामजादे को। पहले हर महीने एक गैंगस्टर मारता था, अब गैंगस्टर नहीं मार सकता तो ये भिखारी लोगों को मारना शुरू कर दिया। पूरा एड़ा हो गया है। सर, मैं ये कह रहा था कि जिस सीरियल किलर की हम तलाश में हैं वो खुद सब इंस्पेक्टर संजय शेलार हैं।
हमारे पास ठोस सबूत है सर। हम सब ने अपनी आंखों से उसे उस आदमी की हत्या करते हुए देखा है। हमने उसे पकड़ने की कोशिश भी की पर वो भाग निकला। आप इन सब से पूछ सकते हैं सर। हो साहब बरोबर सांगता है केदार साहब। आम्हाला बघून तो निसटला साहब। ये देखिए सर, इस पे संजय के फिंगरप्रिंट्स हैं। ये हमें विक्टिम नंबर 6 के पास मिला था और लेटेस्ट विक्टिम को भी जिस चाकू से मारा गया था उस पर भी संजय के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। और सर, रात को पेट्रोल करते वक्त हमने कई बार संजय को देखा है, लेट नाइट पागलों की तरह रास्ते पर इधर उधर भटकते हुए। विक्टिम नंबर 7 जिस दिन मरा था सर, उस दिन भी संजय उसी एरिया में था, बिना किसी वजह के यहां वहां घूमता हुआ, करीब करीब हत्या के वक्त। सर मुझे संजय पर पहले से ही शक था, लेकिन मुझे अपने शक पर ही विश्वास नहीं हो रहा था सर। नहीं तू आ रही है। नहीं नहीं ऐसे नहीं। हाँ तुझको आना पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं तू आ रही है। अरे 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 चल निकल। हाँ कमले साहब को फोन दे। तो कमिश्नर साहब के साथ है सर। लाइन दे मेरे को कमले। कमिश्नर साहब के साथ है। सर को फोन दे कमले। हेलो। हाँ सर, मैंने एक केस तकरीबन सॉल्व कर लिया है। आज रात को एक और हत्या होगी, उसके बाद ये सिलसिला बंद हो जाएगा सर। सर हमारे पास सिर्फ आज रात का समय है। इस वक्त मैं एक मीटिंग में हूँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। सर सर मैंने एक केस लगभग सॉल्व कर लिया सर। देखिए आज रात के बाद वो। हाँ हाँ मैं बाद में फोन करता हूँ। अच्छा सर प्लीज। I'm sorry, sir. Continue. सर संजय को पुलिस की नौकरी बहुत प्यारी थी, लाइफ थी उसकी, लेकिन जिस दिन उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया था तब से उसके दिमाग पर उस बात का मानसिक असर पड़ने लग गया था और अब वो पूरी तरह से अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। हाँ सर संजय बोल रहा हूँ। संजय तू कहाँ है बेटा, मैं कब से तुझे फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ सर वो मैं घर पे नहीं हूँ। ध्यान से सुन संजय, केदार को गलतफहमी हो गई है कि ये 8 के 8 मर्डर्स तूने किए हैं। हाँ जानता हूँ सर, लेकिन मेरे पास कुछ समझाने बुझाने का वक्त नहीं है तेरे पास संजय। कमिश्नर ने हर सस्पेक्ट को राउंड अप करने का ऑर्डर दिया है। 40 से भी ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स के हाथों में तेरे अरेस्ट के ऑर्डर्स हैं, इसलिए तेरा भला इसी में होगा संजय कि तू फौरन ये शहर छोड़कर यहाँ से निकल जा। सर वो खूनी खुलेआम घूम रहा है, वो आज भी किसी पे हमला करने वाला है, फिर बेचारा कोई गरीब मारा जाएगा। सर प्लीज आप मेरी बात सुनिए। इस वक्त तुझे अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए संजय। सर देखिए मेरे बस बस संजय, अभी के लिए तू शहर से निकल जा संजय। किलर का इन्वेस्टिगेशन मैं खुद कर लूंगा, जब असली किलर का पता चल जाएगा तब मैं तुझे खुद कॉन्टेक्ट कर लूंगा। तब तक तू अपने गाँव चले जा। मनाली भी वही है ना? हाँ सर वो वही है, लेकिन इट्स एन ऑर्डर सर। मैं तेरे लिए आज रात ठीक 10 बजे महकला ब्रिज के नीचे मेरी सफेद एम्बेसडर भेजूंगा, उसमें मेरा खास कांस्टेबल बैठा होगा। तू बेटा बैठ जाना उसमें, वो तुझे तेरे गांव तक पहुंचा देगा। मैं चला जाऊंगा सर, आपको तकलीफ देने की जरूरत नहीं। संजय तू समझ नहीं रहा है, पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी गई है, लेकिन मेरी पुलिस की गाड़ी में बैठ कर जाएगा तो बच निकलेगा, क्योंकि मेरी गाड़ी चेक करने की या रोकने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। समझ में आई? पुलिस को चकमा देके मैं निकल जाऊंगा सर आसानी से, आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। संजय पूरी फोर्स अचानक टॉप गियर में आ गई है, डोंट टेक दिस लाइटली। ऑल राइट सर। ऑल द बेस्ट।
हेलो साहिब, मी कामले बोलता साहिब। हाँ कामले बोल साहिब। सत्यम साहब, ये सारा पुलिस फोर्स आपको ट्रैप करने का प्लान कर रहा है साहिब। उनका प्लान है साहिब कि वो आपसे कहेंगे कि वो आपके लिए गाड़ी भेज रहे हैं, लेकिन इसके पीछे पुलिस का बैकअप होगा साहिब। ये आपको फंसाने की तरकीब है साहिब। सत्यम साहब, आपको कुछ भी कहना तो आप उनकी बात पर भरोसा मत कीजिएगा साहिब। साहिब संजय साहिब। हाँ कामले, एक मिनट। एक काम करना, 10 बजे मुझे नेशनल पार्क में मिलना मुझे। अरे नहीं साहब, मैं किसी पछेले में नहीं फंसना चाहता साहब। मेरी नौकरी चली जाएगी साहब, मैं रखता हूँ। कामले। हो साहब। बहादुर बन। डर लगता है साहब। 10 बजे नेशनल पार्क, समझा? सलाम साहब। बैठो बैठो बैठो। कमले, ये साटम सर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत कुछ है, क्लूज, कंक्लूजन्स, ठीक है? ओ साहिब, लेकिन साहिब आप यहाँ से फौरन जाओ साहिब। कैसे जाऊँ कमले? उस दिन जब मेरी झड़प हुई थी पत्थर मार के साथ सबवे में, पता है क्या देखा मैंने? क्या साहब? उसके जूते, वो जो सामने स्टील के लगे होते ना, जो जेल के कैदी बनाते हैं। वो मुझे मालूम है साहब। पर तुम्हें ये नहीं मालूम कि वो जूते खास हमारी यूनिट के लिए बनते हैं, सिर्फ हमारी यूनिट के लिए। 7 नंबर के जूते, हील वाले, भारी भरकम। इतनी आसानी से भाग रहा था वो, एक पुलिस वाला है हमारी यूनिट का। लेकिन साहिब, किसी पुलिस वाले के इसमें क्या मकसद हो सकता है साहिब? अंधविश्वास। नहीं साहिब, आपका शक गलत भी गलत नहीं है कामले। मुझे पूरा यकीन है कि हत्याएं नहीं है, बलि है, रिचुअल किलिंग है ये। इसलिए साला वो नारियल वो सिंदूर छोड़ता है बॉडी के पास। बड़े कायदे से रखता है वो नारियल और सिंदूर, जैसे कोई पूजा हुई हो, कोई अंतिम संस्कार हुआ हो, हवन हुआ हो। लेकिन साहिब, आपको ये सब कैसे पता चला साहिब? जानता है, हमारे स्टेट के अंदरूनी हिस्से में एक आदिवासी कोट है। कोई डॉक्टर वॉक्टर होता नहीं वहाँ पे, सिर्फ तांत्रिक होता है, और सिर्फ तांत्रिक की बात मानते हैं वो लोग। उनकी तंत्र विद्या में कई रस्म है। कैसी रस्म साहिब? नरबलि, ह्यूमन सैक्रिफाइस। लेकिन साहिब, इस सब का इस केस से क्या लेना देना? जरा सोच ना कमले, मंगलवार या शनिवार को ही यह हत्या होना, और वो भी रात के 10 से लेकर 4 बजे तक, जब ग्रहों पे शनि का प्रकोप हो। और जाहिर सी बात है कि बड़ी शिद्दत से कोई रस्म निभाई जा रही। इनकी तंत्र विद्या में यह भी लिखा है कि इसी तरह से अगर 9 इंसानों की बलि चढ़ाई जाए तो लाइलाज बीमारी भी ठीक हो सकती है। कैसी लाइलाज बीमारी साहिब? सेक्सुअल इम्पोटेंस, संभोग करने की शक्ति ना होना। यह हत्यारा एक ऐसा आदमी है कमले, जो औरत के सो नहीं सकता। ही इज इम्पोर्टेंट। 8 लोग हो गए, इसका मतलब है कि एक और बाकी है, और आज मंगलवार है। एक और हत्या आज ही होगी, यकीन है मुझे। और उसके बाद देखना कमले, ये सिलसिला बंद हो जाएगा। लेकिन साहब, आपको इतना सब कुछ? वो सब छोड़, साटम सर तक ये पहुंचना बहुत जरूरी है, और मैं तुझ पर भरोसा करूँ कमले। किसी और के हाथ लगने नहीं चाहिए। ओ साहिब,
सामने एक और काम करना मेरे लिए। पिछले 20 साल में जितने भी आदिवासी हमारे यूनिट में भर्ती हुए उनकी एक लिस्ट चाहिए मुझे, हो जाएगा? लेकिन क्या प्रॉमिस किया था आपने? पुलिस का खबरी बन जा, आज़ादी दिला देंगे। ये कैसी आज़ादी है साहब? इससे अच्छा तो जेल था, यहाँ कम से कम आराम करने तो मिलता था। बोलता है तो वापस भेज दूँ? ये हंसने की बात नहीं है साहब, फुटपाथ पे सोने वाला हर भिखारी जान का दुश्मन बन गया मेरी। क्या केदार साहब, आपके कहने के मुताबिक 10 से 4 के बीच टैक्सी घुमा रहा हूँ इस इलाके में भिखारियों की जासूसी करते करते, लेकिन आखिर हुआ क्या? उल्टा फुटपाथ में सोने वाला हर भिखारी शक करने लगा है मुझ पर। ताला साहब समझते कि मैं वो पत्थर मारूं, घर छोड़ के भागना पड़ा साहब अपन को। हेलो, यशवंत बोल रहा हूँ साहब। आप पहुँचा संजय? नहीं साहब, मैं वेट ही कर रहा हूँ कब से। जैसे वो आता है मुझे वापस फोन कर। यस सर। यूनिट 5 कम इन, यूनिट 5 कम इन। हमने एक इन्फॉर्मर से टिप मिली है, उसने संजय सिलार की कार को नेशनल पार्क में घुसते हुए देखा है। गाड़ी पलटा। We'll be right back.
वासलो हो तुम्ही कांबळे भाऊ ठोक डाले साले को यहीं पे नहीं केस तो सॉल्व हो गया है लेकिन मर्डर का मोटिव नहीं पता चला अभी तक मोटिव ये बताएगा हमको यस सर पुलिस हॉस्पिटल ले चलो इसको ओके सर जब इसे होश आ जाए तब इंट्रोगेट कर लेंगे हम यस सर चल समझ में आ गया और कामले को रंगे हाथों पकड़ने के लिए मैंने ये ट्रैप सेट किया सर इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी सर यस डॉक्टर लेकिन इस केस स्टडी के सिलसिले में आपके पास जितने सारे एविडेंसेस हैं वो सारे एविडेंसेस आप फौरन डिस्ट्रॉय कर दीजिए हमारी यूनिट के बाहर किसी को भी इस सॉल्यूशन की भनक तक नहीं पड़नी चाहिए लेकिन सर क्यों कमिश्नर को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए क्यों ताकि उन्हें पता ना चले हाउ यू मेस्ड अप द केस देखिए सर ऑर्डर लेकिन सर इट इज एन ऑर्डर जी देखो बेटे संजय इसमें से मैं कुछ भी मीडिया में प्रेस में नहीं आने दे सकता कि मेरी ही यूनिट का एक आदमी मेरी नाक के नीचे से जाकर उसने ये 8 मर्डर्स कर डाले आई अंडरस्टैंड सर आई एम रियली सॉरी लेकिन मैं तुम्हें फोर्स में वापस नहीं ले सकता लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी ऑर्डर देना चाहता हूं
तांत्रिक बाबा, कामले बहू कहाँ है अभी? कामले की सब बीमारियां दूर हो गई है, तेरी भी हर पीड़ा दूर हो जाएगी। बस अब नौ पत्थर तू भी ले आ, लेकिन बंबई से नहीं, कलकत्ता से। पुराना था कोई अनदेखा अनजाना।